दो सर्किल होते हैं यार, एक को आप बोलते हो सरकम सर्किल, सरकम सर्किल ऑफ आर ट्राइंगल, या इसको आप सर्कमस्क्राइब सर्किल भी बोलते हो, दोनों नाम इसके होते हैं। सरकम सर्किल ऐसा सर्किल होता है कि जिसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है। जैसे अगर आप इस सर्किल को देखो तो इस सर्किल के अंदर एक अदर ट्राइंगल मौजूद है। तो ऐसा सर्किल जिसके अंदर एक ट्राइंगल मौजूद हो उसको आप सरकम सर्किल कहते हो, लेकिन ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है, उस वाले सर्किल को आप बोलते हो सरकम सर्किल। क्योंकि सर्किल के अंदर ट्राइंगल तो ये भी है एक, क्या इसको भी सरकम सर्किल बोलोगे? नहीं, सरकम सर्किल वो होगा जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, उसको आप बोलोगे सरकम सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। तो अ सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सर्किल। अब दूसरी चीज क्या है, सरकम सर्किल का जो सेंटर है उसको आप क्या बोलते हो? सरकम सेंटर। और जो सरकम सर्किल का रेडियस है आप कैपिटल आर से शो करते हो, उसको आप बोलते हो सरकम रेडियस। सरकम रेडियस की तो खास कोई डेफिनेशन नहीं है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस आप बोलोगे, वो तो कोई खास बात नहीं है। असल बात यह है कि सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो जरा डेफिनेशन नोट कर लो, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन को गोली मारो। अगर मैं आपको बोलूं आपने एक सरकम सर्किल बनाना है तो कैसे बनाओगे? सर्किल बनाना क्या मुश्किल काम है? नहीं, एक चीज पता होनी चाहिए, सेंटर क्या है उसका, उसके बाद रेडियस हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले सेंटर तो आपको बताना चाहिए ना। तो सरकम सेंटर आप कैसे फाइंड करोगे? आप सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट निकालो। जब मिड पॉइंट निकाल लो, इन सब पे एक 90 डिग्री की लाइन बना दो, एक 90 डिग्री की लाइन बना दो। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा तकरीबन, इसी तरह 90 डिग्री की लाइन बना दो, यहाँ पे भी 90 डिग्री की लाइन बना दो। ये तीनों 90 डिग्री की लाइन, इनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है इनको। तो जहाँ पे ये तीनों लाइंस आपस में मिल रही हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सरकम सेंटर बोलोगे। तो जैसे सरकम सेंटर आ जाए, फिर आप कंपस लेना, कंपस को यहाँ पे रखना और किसी भी वर्टेक्स के ऊपर रखना, यहाँ पे रख लेना या यहाँ वर्टेक्स पे या कहीं पे रखना, और इसको पूरा घुमा के एक सर्किल बना देना। तो असल चीज आपने क्या सीखी है कि सरकम सेंटर की डेफिनेशन ये है कि अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो तीनों साइड्स है ना, इनके अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो तो वो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सरकम सेंटर। दूसरा सर्किल कौन सा है यहां पे, उसको आप बोलते हो इन सर्किल। इन सर्किल ऐसा सर्किल होता है जो ट्राइंगल के अंदर होता है। अब अगेन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, ट्राइंगल के अंदर तो डिफरेंट टाइप के सर्किल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों साइड पे टेंजेंट हो, या आप टच भी बोल सकते हो। अगर आप इस सर्किल को देखो, ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, या इसके लिए हम मैथमेटिकल वर्ड है टेंजेंट, कि सर्किल ट्राइंगल की तीनों साइड पे टेंजेंट है, तो उस वाले सर्किल को आप क्या बोलोगे? इन सर्किल। इन सर्किल का जो सेंटर होगा उसको आप बोलोगे इन सेंटर। अच्छा, रेडियस कैसे निकालोगे? कि आप वर्टेक्स तक तो नहीं जा सकते ना, वरना तो वो सर्किल बनेगा ही नहीं। बस सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस रेडियस नहीं होगा, आप सेंटर से लेके इस साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे। इसी तरह यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो जो इस परपेंडिकुलर की पूरी लेंथ होगी ना, बस वो आपका रेडियस है। आप उतनी कंपस खोलना और एक पूरा सर्किल बना दोगे आप, ठीक है? तो बस करना क्या होगा, जैसे ही आपने सेंटर मालूम कर लिया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देना साइड के ऊपर, वो रेडियस बन जाएगा पूरा, और उसको खोल के आप एक सर्किल बना दोगे। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी इन रेडियस की। लेकिन सवाल ये कि इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है, इन सेंटर कैसे मालूम करोगे? तो बहुत इजी मेथड है इन सेंटर मालूम करने का। आप एक ट्राइंगल कोई भी लेट करो, और ये काम आप कर भी सकते हो, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा नॉलेज के लिए, आपके पास कंपस भी होगी, ट्राइंगल भी आप बना सकते हो, तो ये अप्लाई करके देख लेना आप। आप जितने भी एंगल्स हैं ना, उनको सबसे पहले ड्रॉ करो पेपर पे। अगर आप देखना कि उनके जो एंगल्स हैं ना प्रोटेक्टर से, आप मेजर करना कितने एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल बाइसेक्ट करना है आपने एंगल को। लेट कर लो, अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो 25 डिग्री पे आपने एक लाइन बना देनी है, बिल्कुल बाइसेक्ट करना है आपने इसको। इसी तरह इस वाले एंगल को भी आप बाइसेक्ट कर लो, इसी तरह इस वाले एंगल को भी आप बाइसेक्ट कर रहे हो।
तो जहां पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल को जो बाइसेक्ट कर रही है लाइंस, जहां पे तीनों लाइंस मिलेंगी उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इनसेंटर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, जो इंटरनल एंगल नजर आ रहे हैं ना, इनको जो लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं, वो जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? इन सेंटर। ठीक है, और इन सेंटर मालूम करने का फॉर्मूला भी, बाय द वे टॉपिक 2.2 का है, लेकिन जब मैंने सर्कम सर्कल पढ़ाया तो मैंने कहा ये भी पढ़ा देता हूं। इसका फॉर्मूला भी आप पढ़ोगे, मैं अभी से बता रहा हूं, इन सेंटर मालूम करने का यह फॉर्मूला होता है। जिसमें आपको ए बी सी नजर आ रहा है, ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है और कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला है, और ए बी सी क्या होगा? लेट कर लो एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ये हो गया एक्स वन वाई वन, अच्छा इसको लेट कर लेना, गिवन होगा एक्स टू वाई टू, तीसरा पॉइंट गिवन होगा एक्स थ्री वाई थ्री। आप इसको नाम दे देना ए बी सी, तो ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए, बी के सामने वाली की स्मॉल बी, इसकी हो जाएगी स्मॉल सी। तो ए बी सी जो स्मॉल आपको नजर आ रहे हैं ना, ये लेंथ है साइड्स ऑफ ट्राइंगल की। तो लेंथ निकालना मुश्किल नहीं है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, इनके दरमियान लेंथ आ जाएगी। इसी तरह इनके दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना सी आ जाएगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना बी आ जाएगा। लेकिन ये सवाल आपके एमसीक्यूज में नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल हो जाएगा ये, आ भी सकता है लेकिन एमसीक्यूज में इतना बड़ा क्वेश्चन देते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए बी सी मालूम करने के लिए तीन दफा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगा के आप वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करोगे, इनको सॉल्व करोगे, तो टाइम लग जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये इन सेंटर का फॉर्मूला है, और इन सेंटर को आप कैपिटल आई से शो करते हो। तो अब स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सरगम सेंटर सर हम कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, जो सरगम सेंटर है वो आप इतने आसानी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको शौक हो तो आप 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना, जो नॉर्मली आएगा तो लॉन्ग में आएगा, उसमें आपने सरगम सेंटर निकाला हुआ है। तो कितनी मेहनत करके आपने सरगम सेंटर निकाला हुआ होगा। तो सरगम सेंटर आप किसी फॉर्मूले से इजी तरीके से नहीं निकाल सकते, लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका सरगम सेंटर आप निकाल सकते हो। याद रखना, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका सरकम सेंटर जो है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर कहाँ पे होता है? ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसके मिड पॉइंट पे होगा। ये आप ऑब्जर्व करके देख लेना, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, सब साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, और वो देखना इसी पॉइंट पे मिल रहे होंगे वो। तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे सरकम सेंटर ऑफ राइट ट्राइंगल is on the midpoint of hypotenuse. जो hypotenuse है उसका जो midpoint है उस पर सर्कम सेंटर लाई कर रहा होगा। अब सवाल ये कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए तो उसमें सर्कम सेंटर निकालना मुश्किल नहीं है, आप इन दो पॉइंट पे जो hypotenuse के एंड पॉइंट है इस पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना, आपके पास आसानी से सर्कम सेंटर आ जाएगा। तो अब सवाल ये कि आप कैसे पहचानोगे यार ये तीन वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल के हैं नहीं? आपको कोई भी तीन गिवन होंगे, लेट कर लो 1.2, 3.2 और 1.-5 कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी तीन वर्टिसेस गिवन है। अगर सवाल आपके पास आया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल का ही होगा, क्योंकि बाकी ट्राइंगल में निकालना मैंने बताया मुश्किल काम है, राइट एंगल में तो ईजी हो जाता है ना। तो अगर ये सवाल नॉर्मली आएगा नहीं, लेकिन अगर आया तो ये इस फॉर्म में आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस के साथ आएगा। तो आप पहचानोगे कैसे? तीन दफा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, आपको आइडिया हो जाएगा। इन दो पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, इन दो पे लगाना, और इस पे लगाना। तीनों साइड जब आपके पास आ जाएंगी, अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो 1-3, मैं जल्दी से निकाल देता हूँ, आप लोग डिस्टेंस निकाल लेना इसका, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, बस इसका आंसर 2 आ रहा है, पहला डिस्टेंस जो है वो 2 के बराबर आ गया। अच्छा, इसका आंसर निकालो 2 + 49, इसका 51 आ रहा है, एक सेकेंड, नहीं 4 है ना, तो 4 और 2 - 7 का स्क्वायर 49, तो हो जाएगा √53, ठीक है, और इसका निकालो 0 हो जाएगा 2749। हाँ, तो इन दो का डिस्टेंस आ रहा है √53, और इस वाले का डिस्टेंस आ रहा है √49।
ठीक है। अब आप देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है नहीं लग रहा, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो देखो दिखने में लग रहा है लॉन्गेस्ट साइड क्या है, रूट 53, तो इसको आप हाइपोटेन्यूज कंसीडर करो। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर। अच्छा बेस और परपेंडिकुलर बाकी किसी भी साइड को आप ले लो, लेट कर लो इसको मैं बेस ले लेता हूँ, तो बेस का स्क्वायर प्लस इसको मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, तो रूट 53 का स्क्वायर हो जाएगा 53, रूट 49 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टिसेस हैं। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो फिर आप क्या करोगे, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट 53, किन दो पॉइंट्स के दरमियान आया है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान आया है, तो आप इन दो पॉइंट्स पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, आपके पास सरकम सेंटर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने पता किया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे ही आपको पता चल गया तो जो हाइपोटेन्यूज के दो एंड पॉइंट है ना उनके दरमियान मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना, आपके पास सरकम सेंटर आ जाएगा। अब आखिरी बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, ये मुझे कैसे पता चला था, मतलब ये मैंने एग्जाम्पल कैसे बनाई है, मतलब मैं कोई ये थोड़ी ना कि मुझे कहाँ से पता चल गया, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि एग्जाम्पल मैंने बनाई किस तरीके से, और वही ट्रिक आपके एग्जाम में आएगी अगर आई एमसीक्यूज में, तो ये आपके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जरूरत ही नहीं होगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लगाया कि मे बी ये ट्रिक हर सवाल पर वैलिड नहीं है, तो जिन सवालों पे वैलिड नहीं होगी तो आप इस तरह चेक करोगे, लेकिन जिन पे वैलिड है तो बड़ा इजी तरीका है। क्या तरीका है, आप तीनों वर्टेक्स को गौर से देखो, अगर किसी भी दो वर्टेक्स में सेम एक्स वैल्यू है, जैसे देखो इन दोनों पॉइंट में एक्स वैल्यू सेम है, और किसी भी दो पॉइंट में सेम वाई वैल्यू है, इसमें और इसमें देखो सेम वाई वैल्यू है, तो इसका मतलब वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। कैसे पता चलेगा, किसी भी दो पॉइंट में सेम एक्स वैल्यू होगी, किसी भी दो पॉइंट में सेम वाई वैल्यू होगी, अगर कोई तीन वर्टेक्स इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लाजमी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो हर राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स इस चीज को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो फॉलो करते हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और नॉर्मली एमसीक्यूज में वो ऐसे ईजी देते हैं ताकि स्टूडेंट को मसला ना हो। अब सवाल ये कि इसमें कैसे पता चलेगा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो जिस वर्टेक्स के नीचे दो डैश लगी हुई है ना, इसका मतलब इस पे 90 डिग्री बन रहा होगा, तो अगर इस पे 90 डिग्री बन रहा है तो बाकी दो पे क्या होगा, जिस पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले दो जो हैं वो हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट होते हैं ना, तो इस वाली टेक्निक में आपको पता चल जाएगा कि 90 डिग्री इस पे बन रहा है, इसका मतलब बाकी ये दो जो हैं ये हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट है, तो इन पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना, आपके पास सरकम सेंटर आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, अगर ये सवाल आया तो आप इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई सवाल यहां तक, हमने थोड़ी कर ली है, 2.1 के साथ साथ 2.2 के थोड़े कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, ब्रेक लेते हैं हम, कोई इश्यू यहां तक आ रहा है तो पूछ लो। चैप्टर नंबर 2.2 का सबसे पहला टॉपिक जो है और बहुत ही बेसिक टॉपिक जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप किस लिए यूज करते हो, कि अगर कोई पॉइंट जो है वो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, जैसे दो किस्म की डिवीजन हो सकती है, कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है लेट कर लो ए बी, और इसको एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो जो पॉइंट डिवाइड करता है ना उसके अगर आपने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं तो उसके लिए आप यूज करते हो सेक्शन फॉर्मूला। अब दो तरीके की डिवीजन हो सकती है, अगर डिवीजन जो है वो इंटरनल है, जैसे पॉइंट जो है पी ये ए और बी के दरमियान आ रहा है, इंटरनली उनको डिवाइड कर रहा है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आपको पहले लेट करना पड़ेगा ये पूरा है M1, ये पूरा है M2, इनको आप कहते हो रेशो। तो आपको फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं आगे बताता हूँ। फॉर्मूला है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, इसी तरह M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, सबसे पहले X1y1 पहला पॉइंट होगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप लेट कर लोगे, फिर दूसरा पॉइंट होगा X2y2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप X2y2 लेट कर लोगे, और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है M1:M2। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ने डिवाइड किया है ए बी को, तो दो हिस्से आए होंगे ना, एक हिस्सा ये होगा एक हिस्सा ये होगा, तो इन हिस्से की जो भी लेंथ है उनको एज अ रेशो हमने लिखा हुआ है। जैसे लेट कर लो इस पूरे की लेंथ 6 है, इस पूरे की लेंथ आई थी 2, तो आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखो।
और रेशियो को आप सिंप्लीफाइड लिखते हो, तो 2 से कैंसिल करो तो रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3:1। तो ये आपको M1 M2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये रेशियो है कि पॉइंट ने जिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है ना, उन दोनों हिस्से की जो लेंथ है उसको एज अ रेशियो के फॉर्म में आपने लिखा हुआ है। बहरहाल तो उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए पूरा फॉर्मूला है। MCQs में कितने सवालों में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, और इसकी ट्रिक बहुत काम की ट्रिक है। दूसरी बात कि डिवीजन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। कंसीडर कर लो, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इसको, ये पॉइंट पी जो है ये बाहर से है, ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं स्पेन को यहाँ से डिवाइड करूँ, सेंस नहीं बनती ना। अगर मैंने स्पेन को डिवाइड करना है तो मैं इंटरनली डिवाइड कर सकता हूँ, बाहर से डिवाइड करने की सेंस बनती नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में हमने एज्यूम किया हुआ है कि अगर पॉइंट जो है ये बाहर से डिवाइड कर रहा है, बस ए बी लाइन सेगमेंट को बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो उसको आप कहते हो एक्सटर्नल डिवीजन। और बस हम उसमें पता करते क्या है, अगर डिवीजन इंटरनल है तो आप M1 M2 दोनों पॉजिटिव ही रखते हो, ठीक है। लेकिन अगर डिवीजन एक्सटर्नल है तो उसमें आप एक रेशो को नेगेटिव कर देते हो, तभी आपने एक्सटर्नल डिवीजन का ये फॉर्मूला देखा होगा, उसमें दरमियान में नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव कैसे आया, आपने M2 को नेगेटिव कर दिया, तो जहां जहां M2 आ रहा है देखो वहां पे नेगेटिव आता है, नीचे भी देखो M2 के साथ नेगेटिव। इसी तरह इस फॉर्मूले में भी अगर आप देखो तो M2 के साथ नेगेटिव आ रहा है और नीचे भी M2 के साथ नेगेटिव। तो अगर डिवीजन एक्सटर्नल है तो आप कोई भी एक रेशो माइनस कर दो, M1 को भी कर सकते हो, M2 को भी कर सकते हो, हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है कि आप M2 को माइनस करते हो। अब सवाल ये कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व किस तरह करोगे, मैं ज़रा उसकी टेक्निक आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपके पास कोई भी दो पॉइंट आ जाए, 1, 2, 3, 1, और आपको बोला जाए कि एक पॉइंट है जिसने 1:2 के रेशो में इस लाइन सेगमेंट को कट किया, आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे सिंपल इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। भाई ये हो जाएंगे x1y1, x2y2, m1 m2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वो सवाल में बोल दें कि भाई ये दो लाइन सेगमेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसने इसको डिवाइड किया है 1:2 के रेशो में, सवाल में मेंशन कर दें कि वो पॉइंट एक्सटर्नल है, पहले वाले सवाल में मेंशन उन्होंने किया हुआ नहीं था, ठीक है, अगर मेंशन कर दें तो आप इंटरनली यूज़ करोगे, मेंशन ना करें तब भी इंटरनल यूज़ करोगे, लेकिन जब वो बता दें कि एक्सटर्नल है तो फिर आपको एक्सटर्नल यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है। किस तरह यूज करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेट कर लो आपको सवाल दे दिया जाए कि एक्सटर्नल है, तो आपने दो हल है आपके पास, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो एक्सटर्नल डिवीजन का, आप कहते हो मुझे कोई नया फॉर्मूला नहीं याद रखना, तो इसका भी एक हल है कि अगर जब बात एक्सटर्नल की जाए तो जो भी रेशो गिवन हो उसमें से एक को नेगेटिव कर देना और फिर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लेना। मैं दोबारा बता देता हूँ, दोनों ऑप्शन मैंने क्या बताए हैं कि अगर दो पॉइंट गिवन है और एक रेशो गिवन है और आपको बोला जाए कि इंटरनल डिवीजन हुई है तो आप आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा दो ये। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि डिवीजन एक्सटर्नल है तो फिर या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या इस फॉर्मूले से जान छुड़ा लो, क्या करो जो भी रेशो गिवन हो उनको बस नेगेटिव कर देना और उसके बाद इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लेना, तो आपके पास वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। तो इंटरनल में रेशो पॉजिटिव ही रहने देना और अगर एक्सटर्नल में हो तो रेशो नेगेटिव कर लेना, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लेना, तो फिर इस फॉर्मूले की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, आप इसी फॉर्मूले से दोनों काम आसानी से चला सकते हो। और अच्छा, इस सवाल की कोई ट्रिक नहीं है, मतलब अगर ये सवाल आए ना कि आपके पास दो पॉइंट है, रेशो गिवन है और आप कोऑर्डिनेट्स निकालो, इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी सिचुएशन की ट्रिक है, दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपको यही दो पॉइंट दे दें और आपको बोला जाए कि जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है ना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दें, लेट कर लो वो आपको बोले कि 2, 1 पॉइंट है जिसने इसको डिवाइड किया है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको रेशो निकालना है। पहले वाले सवाल में पॉइंट निकालना था, मैंने मेथड बता दिया किस तरह आप निकालोगे, ठीक है। आपको एग्जांपल इसकी बहुत मिल जाएंगी, अपनी बुक को आप देख लेना, 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो इससे रिलेटेड है, इसी तरह बाकी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा रहे हो जिसमें रेशो गिवन है और आप कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो। लेकिन इस सवाल में अब आपको पॉइंट गिवन है, अब आपने रेशो निकालना है, मतलब उल्टा काम कर रहे हो आप। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 17 मिल जाएगा 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 20 मिल जाएगा, इसके तो बहुत ही क्वेश्चंस हैं जिसमें आप रेशो निकाल रहे होते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बाद में बताता हूँ, एक जहन में एक पॉइंट रख लो कि जिस भी मेथड से आप रेशो निकालोगे अगर रेशो पॉजिटिव आए तो उसका मतलब वो इंटरनल पॉइंट था,
ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि मे बी आपको सवाल में जस्ट रेशो दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये पॉइंट इंटरनल था या एक्सटर्नल था, तो आप देखो अगर रेशो पॉजिटिव है तो वो इंटरनल पॉइंट था, अगर आपने रेशो निकाले और वो नेगेटिव आए इसका मतलब वो एक्सटर्नल पॉइंट था, ठीक है? तो नेगेटिव एक्सटर्नल हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरनल हो जाएगा। अब रही बात कि आप इसको निकालोगे किस तरह, तो उसकी ट्रिक देख लो। ये ट्रिक आप उस वक्त काम आएगी आपके कि जब आपको दो पॉइंट गिवन है और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है, चाहे वो एक्सटर्नल डिवीजन हो इंटरनल हो मैटर नहीं करता, बस जिन दो पॉइंट को डिवाइड किया है और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप ये ट्रिक लगाओगे। और ये ट्रिक क्या कहती है, ये ट्रिक आपको डायरेक्ट रेशियो निकाल के देगी। फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय x टू माइनस एक्स, दैट्स इट। ये ट्रिक आई इसी फॉर्मूले से है लेकिन काफ़ी सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया है वहाँ पे कि अगर आप रेशियो निकालने आप डायरेक्ट इसमें पुट करो आपके पास रेशियो आ जाएंगे। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो या y की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। मैं इस वाले की एग्जांपल दे दूंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आता है। हाँ डेफिनेटली पॉइंट लाइन पे होगा यार, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है वो लाइन के ऊपर होगा, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी। अगर लाइन से बाहर होगा तो फिर मतलब कंसीडर करो, अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो इससे कॉन्टैक्ट तो करना पड़ेगा ना, इसको कॉन्टैक्ट किए बगैर नीचे से कैसे कट करोगे? तो उसका मतलब जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो पॉइंट इसके ऊपर आ गया, पॉइंट तो ऊपर होगा लाजमी। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है 2.2 का, वही कर लेते हैं हम इस शॉर्ट तरीके से। लंबा वाला तरीका तो आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे जब आपने सॉल्व किया होगा। लिखा हुआ है इनवर्ट रेशो, मतलब रेशो आपको निकालने, तो ये वाली ट्रिक वैलिड है। एक पॉइंट सी है 2,4, उसने डिवाइड किया है किस पॉइंट को, ए को और बी को। तो आपने बस आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि डिवाइड किसने किया है। इसने डिवाइड किया है तो जो पॉइंट डिवाइड करता है ना उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, तो आप इसे कोऑर्डिनेट लेट कर लो एक्स वाई। जिन दो पॉइंट को डिवाइड किया होता है उसमें जो पहला पॉइंट गिवन है एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट गिवन है एक्स टू वाई टू, ये काम आपने असल करना है। उसके बाद जस्ट आपने उसमें पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स वन क्या है यहाँ पे, सॉरी एक्स क्या है यहाँ पे, टू माइनस एक्स वन, एक्स वन यहाँ पे सेवन है डिवाइडेड बाय। एक्स टू क्या है यहाँ पे, माइनस वन माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, टू। तो ये हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन माइनस थ्री, कैंसिल करो, फाइव इस टू थ्री जो है वो आपके पास रेशो आ जाएगा। तो अगर आप जाके देखना क्वेश्चन नंबर 17 को, आपने एक बड़े मेथड से किया होगा लेकिन इस फॉर्मूले से आपको काफ़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो है ये आप एक्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, और जो मैंने वाई की फॉर्म में फॉर्मूला बताया हुआ है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उससे भी आपके पास आंसर जो है वो 5:3 आ रहा होगा। तो ये ट्रिक आप उस वक्त यूज़ करोगे जब आपको रेशो निकालने होंगे, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया वो भी गिवन होगा, जिन दो पॉइंट को डिवाइड किया है वो भी गिवन होगा, तो आप इस मेथड से आसानी से निकाल लोगे। तो एक ट्रिक तो ये थी। अब कुछ आपको सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें जिस पॉइंट ने डिवाइड किया होता है ना वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो फिर क्या करोगे? या वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो फिर क्या करोगे? जरा उसको देख लो। एक तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसमें वाई ज़ीरो होता है ना, तो यहीं पे वाई ज़ीरो आप पुट कर देना, इस तरह कर लेना। या जब पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। इसी को भी आप चेंज कर सकते हो, या मैं अलग से आपको बता देता हूँ ताकि आपके पास नोट्स मौजूद हों कि जब डिवीजन है डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, मतलब एक लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है, तो तब सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला बस ये रह जाएगा आपका माइनस वाई वन अपॉन वाई टू, बस आपके पास रेशो आ जाएगा। अप्लाई किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। और जब आपके पास आ जाए कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है वाई एक्सिस ने, अच्छा ये फॉर्मूला यही रहेगा, इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना वरना गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला होगा तब आप अप्लाई करोगे। अगर एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया तो वाई की फॉर्म में होगा, और अगर वाई एक्सिस ने डिवाइड किया है तो एक्स की फॉर्म में हो जाएगा। अब मैं एक सवाल करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13-14 है 2.2 का। 13 में देखो लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड, 13 में वाई एक्सिस ने डिवाइड किया है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है, लाइन सेगमेंट है -5,3, 8,6। सवाल ये बोला गया है कि वाई एक्सिस ने डिवाइड किया है, तो जब वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो फॉर्मूला होता है
एम वन अपॉन एम टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू। तो एक्स वन यहाँ पे क्या है माइनस फाइव, एक्स टू यहाँ पे क्या है एट, तो माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू, माइनस माइनस पॉजिटिव, रेशो की फॉर्म में लिखो तो फाइव इज टू एट। तो वहाँ पे देखना बुक में आपने कितनी मेहनत की थी फिर आपके पास आया था, लेकिन ये आपका काफ़ी आसानी से सवाल हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स एक्सिस का जिक्र भी है कि एक पॉइंट है भाई माइनस एट कॉमा टेन और एक पॉइंट है सिक्स कॉमा माइनस फोर, इसको डिवाइड किया है एक्स एक्सिस ने। तो जब एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो फॉर्मूला क्या है ये वाला, माइनस वाई वन अपॉन वाई टू, ये वाई वन हो गया ये वाई टू हो गया, तो माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू, माइनस माइनस पॉजिटिव, टेन डिवाइडेड बाय फोर फाइव अपॉन टू, रेशो की फॉर्म में लिखो तो रेशो आ जाएगा फाइव इज टू टू। तो रेशो निकालने के तीन किस्म के सवाल आ सकते हैं, एक तो जनरलाइज आ सकता है कि एक पॉइंट ने डिवाइड किया है तो अभी वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये भी यूज़ कर सकते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर बोला जाए कि एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर बोला जाए वाई एक्सिस ने डिवाइड किया तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो जो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन ये मैंने डिटेल से आप लोगों को करवा दिए, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। अब फॉर्मूला आपके पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है ये इंटरनल डिवीजन से ही निकलता है। इंटरनल डिवीजन में अगर आप m1 m2 की जगह 1 1 पुट कर दो, क्योंकि जब कोई मिड पॉइंट से कट कर रहा है इसको हम कहते हैं बाइसेक करना, तो जब मैंने इसको बिल्कुल दरमियान से कट किया है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो जब दो चीज़ें इक्वल हैं जब आप उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1:1 रेशो आ जाएगा, तो वहाँ से आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। मेरे ख्याल में इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दफ़ा आपने आप लोग सिंपल 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना या बाकी क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला हुआ होगा, इस पर तो मेरे ख्याल में आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना इजी फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं आपको दे दूँ ये दो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट निकालना है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, क्यों सिंपल आप दो एक्स वैल्यू को ऐड करो डिवाइडेड बाई टू कर दो, 1 + 5 = 6, 6 / 2 = 3, 2 + 7 = 9, 9 / 2 = 9/2 हो जाएगा। तो जो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 9/2। तो इसको तो आप लोगों को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। और लेट कर लो अगर आपको मिड पॉइंट दे दिया जाए, आपको बोलें कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है 1, 2 और जो बाकी दो पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट है लेट कर लो 1, 5 और दूसरा पॉइंट है -3, y, मतलब आपको मिड पॉइंट दे दिया जाए और या करो दूसरे पॉइंट दिए ही ना जाए, बोले कि दूसरा पॉइंट जो है वो अननोन है वो मालूम करो, तो किस तरह मालूम करोगे? तो आपको पता है मिड पॉइंट, तो याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे मिड पॉइंट आएगा, ये मिड पॉइंट है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड क्या है कि दोनों पॉइंट की एक्स वैल्यू को आप ऐड करते हो, 1 और x को ऐड करो डिवाइडेड बाई टू, दोनों की y वैल्यू को ऐड करो 5 + y / 2, दरमियान में इक्वल है तो
तो सिंपल आप कंपेयर करवा सकते हो, इस पूरी चीज़ को आप इक्वल रखना वन के बराबर, तो यहाँ से देखना x की वैल्यू वन आ जाएगी। इस पूरी चीज़ को रखना भाई टू के बराबर और सॉल्व करना, देखना x की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। तो बस कंपेयर करवाना, x वन हो जाएगा, y माइनस वन हो जाएगा, तो आपके पास जो सेकेंड पॉइंट है वो आसानी से आ जाएगा। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यही है पूरा, तो ये मिड पॉइंट है। उसके बाद एक और टेक्निक है, उसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये सवाल आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 18-19 कुछ ऐसा है 2.2 का। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ये होता है कि अब आप लाइन सेगमेंट को तीन हिस्सों में तकसीम करते हो। तीन हिस्सों में तकसीम करने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं। लेट कर लो आपने यहाँ से कट किया, आपने यहाँ से कट किया, तो दो पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को तीन हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये वाली सिचुएशन होती है कि अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो लेट कर लो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो सवाल आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है। तो उसको जाके आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से ही आया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, 2x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3 और फिर 2y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 3। मैं आप लोगों को वही ट्रिक बताता हूँ जो मुझे लगता है आप लोगों को वाकई याद भी हो जाएंगी और जो इजी भी होंगी। इस क्लास में मैंने वही ट्रिक्स आप लोगों को बताई हैं जो आप लोगों के लिए इजी हैं। उन्हीं में से ये है कि अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि पहले पॉइंट के लिए रेशो है 1:2, दूसरे पॉइंट के लिए रेशो होगा 2:1, उसके बाद आप इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर इस मकाम पे पहुंचोगे जो आप उस क्वेश्चन में करते हुए थे। 19 में आप ये काम करोगे, लेकिन उस काम को स्किप करो, इनको याद करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 2x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3, 2y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 3। तो बस आपने करना क्या होगा, जो ए और बी पॉइंट में x1 x2 गिवन होगा उसको यहाँ पे पुट कर देना, जो y1 y2 गिवन होगा यहाँ पे पुट करना, आपके पास पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे, ये 2x1 प्लस x2 था, ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 और ये हो जाएगा y1 प्लस 2y2। तो इस फॉर्मूले से आपके पास दूसरा पॉइंट भी आ जाएगा। बस आपको x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करना है, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको सॉल्व कर लेना, आपको ये फॉर्मूला आसानी से समझ आ जाएगा किस तरह परफॉर्म करना है। और 2.2 का आखिरी टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था मिड पॉइंट फार्मूला, ये मिड पॉइंट फार्मूला से आया है पूरा, ठीक है। मैंने बताया था कि डायगनल्स बाइसेक करते हैं, मैं बोला था यार मैं इस बात पे इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब डायगनल बाइसेक करते हैं ना किसी भी फोर साइडेड फिगर के, तो उसमें ये वाली चीज़ होती है कि x1 प्लस x3 बराबर होता है x2 प्लस x4 के, इसी तरह y1 प्लस y3 बराबर होता है y2 प्लस y4 के। ये मिड पॉइंट फार्मूला से सिंप्लीफाई किया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है 2.2 का, उसमें आपको पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स निकालना है। तीन वर्टेक्स गिवन है आपको, पहला वर्टेक्स गिवन है 1, -2, दूसरा गिवन है 1, 0, तीसरा गिवन है 2, 1, और आपसे बोला गया है कि आप चौथा वर्टेक्स निकालो। वहाँ पर जाके मेथड देख लेना, एक पेज का मेथड था पूरा। अब इसको शॉर्ट तरीके से किस तरह करोगे भाई, पैरेललोग्राम बोला है ना सवाल में, इसका मतलब डायगनल उसके बाइसेक करते हैं। तो जब डायगनल बाइसेक करते हैं तो x1 और x3 इन दोनों को ऐड करो, इक्वल x2 प्लस x4, x2 है 0, सॉरी x2 है 1 और x4 है x के बराबर 1 प्लस x। तो आपने क्या किया, x1 प्लस x3, x2 प्लस x4। इसी तरह y में भी लगा लो, y1 प्लस y3 इक्वल y2 प्लस y4। अभी दो इक्वेशन है, यहां से सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और यहां से सॉल्व करोगे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स है फोर्थ वो आ जाएगा 2, -1। तो जिस शेप की आपसे बात की जाए, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम या आइसोसेलेस, चार शेप जो है इनमें डायगनल बाइसेक करते हैं। तो अगर इनका सवाल आ जाए तो आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है, अगर दोनों अननोन हैं तो आप फिर दोनों इक्वेशन यूज करोगे। लेट कर लो अगर जस्ट एक्स अननोन है तो आप पहली वाली इक्वेशन को यूज करके आसानी से उसकी वैल्यू निकाल लोगे।